अब चीन और पाकिस्तान की हर चाल का होगा पर्दाफाश। अंतरिक्ष में इसरो ने कर ली बड़ी तैयारी। भारत के इस कदम से सख्ते में आए दुश्मन देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। चांद और सूरज को फतह करने के बीच अब इसरो देश की रक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाता दिख रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक और बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। इसरो के इस कदम से भारत के दुश्मन देशों के होश उड़ गए हैं। दरअसल भारत ने खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए अगले 5 सालों में 50 सैटेलाइट को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। अगर भारत ने इस पैमाने पर सैटेलाइट लॉन्च किए तो देश के लिए सामने आने वाले खतरों को बेहतर ढंग से निपटाया जा सकता है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि ये सैटेलाइट जियो इंटेलिजेंस जुटाने में मदद करेंगे। उन्होंने बताया कि इसरो पृथ्वी की अलग अलग ऑर्बिट्स में इन सैटेलाइट्स को स्थापित करेगा, जो सेना के मूवमेंट और हजारों किलोमीटर एरिया की तस्वीरें इकट्ठा करने की क्षमता रखते हों। सोमनाथ ने कहा कि बदलावों का पता लगाने, आंकड़ों के विश्लेषण के लिए AI से संबंधित और डेटा आधारित प्रयासों के मामले में उपग्रह की क्षमता बढ़ाना अहम होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 सैटेलाइट लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा था, जिसके जरिए जलवायु और पर्यावरण, ग्रीन हाउस गैस, सागर के व्यवहार और मिट्टी और रेडिएशन का अध्ययन किया जा सके। इसरो चीफ ने कहा कि मौसम और जलवायु आने वाले वक्त में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। सोमनाथ ने कहा कि हमने इसके लिए एक सैटेलाइट बनाने का प्रस्ताव रखा है और हम चाहते हैं कि G20 देश इसके लिए उपकरण और संसाधन बनाएं और कंट्रीब्यूशन करें, ताकि इससे मिलने वाला डेटा पूरी दुनिया को मिले, जिससे अपनी रिसर्च में इसका इस्तेमाल कर सकेंगे वो। ये सैटेलाइट 2 साल के भीतर लॉन्च करने की योजना है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने IIT बॉम्बे के एनुअल साइंस फेस्ट के दौरान कहा कि एक मजबूत राष्ट्र बनने की दिशा में भारत के सपने को साकार करने के लिए इसके उपग्रह बेड़े का वर्तमान आकार पर्याप्त नहीं है और इसे आज की क्षमता के मुकाबले 10 गुना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्पेसशिप देश की सीमाओं और पड़ोसी क्षेत्रों पर नजर रखने में सक्षम है। ये सब सैटेलाइट से देखा जा सकता है, यानी कि अगर दुश्मन देश सीमा पर किसी तरह की कारगुजारी करता है तो अब वो छिपकर वार नहीं कर पाएगा, बल्कि अब उसकी हर हरकत पर भारत की पैनी नजर होगी। एस सोमनाथ ने कहा कि अंतरिक्ष यान किसी देश की सीमाओं और पड़ोसी क्षेत्रों की निगरानी करने में सक्षम है। अगर भारत ने इस पैमाने पर सैटेलाइट लॉन्च किए तो देश के लिए सामने आने वाले खतरों को बेहतर ढंग से निपटाया जा सकेगा। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।